फिटनेस एंड योगा एक्सपर्ट सलाफ नकवी मौजूद है और उनकी उनसे जानते हैं कि आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या टिप्स देने वाली हैं। जी सलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस रिलीफ योगा पर। अक्सर लोग स्ट्रेस पर बात करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे इस शो में स्ट्रेस रिलीफ योगा पर कि कैसे आप योगा के ज़रिए अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक एफर्मेशन होगी आपके लिए, जो कि आपके लिए गिफ्ट है, और वो क्या होगा कि आई चूज़ पीस ऑफ माइंड टुडे, बिकॉज ये हम हैं जो चूज़ करते हैं पीस ऑफ माइंड। ये हम हैं जो चूज़ करते हैं कि आज मैंने नेगेटिव सोचना है या आज मैंने इस तरह से सोचना है। अब आपने ख़ुद को प्रोग्राम किया पॉजिटिविटी पर, कैसे होगा? आपने एफर्मेशन अपने आप को ये रोज़ाना आप दोहरा सकते हैं बार बार। इसके अलावा क्या होगा, कराटे चॉप आपका एक जो यहाँ पर एक पॉइंट होता है अपनी पिंकी फिंगर से नीचे जो एरिया बना होता है लाइफ लाइन के साथ, आपने उसको अपने डोमिनेंट हैंड से आप उसको प्रेस करते रहे, यानी प्रेस भी नहीं लेकिन आप उसको पुश करते रहेंगे या टैप करते रहेंगे या इसको आप रब कर सकते हैं, लेकिन आप टैप करते जाएंगे, टैप करते जाएंगे, टैप करते जाएंगे, और उसके बाद जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसके साथ जो आपको एंजाइटी हो रही होती है, जो आपको स्ट्रेस होता है, आपको डिप्रेशन होता है, वो आप महसूस करेंगे कि इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। यानी कि जो आपको एंजाइटी हो रही थी, आपको पेल्पिटेशन हो रही थी, समटाइम्स हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मुझे क्यों पेल्पिटेशन हो रही है, तो आपने उसी टाइम कराटे चॉप याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको बता देना बहुत ज़रूरी है कि 70-80% जो आपकी बीमारियाँ होती हैं वो सोमेटिक होती है, यानी कि उनका ताल्लुक जहन से होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी स्किन ख़राब होती है, हमें डाइजेस्टन में प्रॉब्लम आता है, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज़, खुदा नखास्ता इस तरह की चीज़ों में हम मुब्तला हो जाते हैं और बहुत ही आराम से। और पीछे एक वजह होती है जो कि नंबर वन किलर है स्ट्रेस, जिसके रिलीफ के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे होते या कोशिश कर रहे होते हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उस एक लूप में फंस जाते हैं। तो रिलीफ के लिए एक एफर्मेशन और साथ ही आपका कराटे चॉप आपने रखा याद। अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ आना होगा जो आपको रिलीफ देंगी। वो क्या होगी? सबसे पहले आप गए अपवर्ड डॉग, हम उसको लफ्ज़ कहते हैं, उसमें कोबरा की तरह होता है लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो है वो फ्लोर से उठी हुई होती है। वो किस तरह होगा कि आपने अपने पाँव पे और हाथों पे पूरा वज़न ले लिया और ख़ुद को जो आपकी नेक है वो पीछे ले गए एंड रिलैक्स। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बैक में आर्च लेकर आनी है, रिलैक्स रखा खुद को, यहाँ हाथों को आपने कंफर्टेबल पोजीशन में रखा और परफॉर्म। एक चीज़ हमें याद रखनी होती है कि जब हमारी नेक किसी भी आसन में हमने स्ट्रेच किया होता है तो उसमें हमें बात नहीं करनी होती, हमें कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है इसमें, तो हमें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। इसके अलावा जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो ये एरिया होता है जिसे हम मास्टर एरिया कहते हैं, ये प्रॉब्लम में आता है, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। तो हमें इसका क्या करना होगा, शोल्डर श्रग अक्सर हम एक एक्सरसाइज करते हैं वही इसके अंदर आएगी। क्या होगा, इनहेल, कुछ देर का पॉज देने के बाद एक्सहेल एंड रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, इसके बाद रोटेशन सामने को एंड बैकवर्ड्स। ये करने के बाद ये क्या होगा, 30 सेकंड तक आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, 30 सेकंड के या 30 सेकंड तक, या आप अपनी रेपिटेशन को काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, और ये रेपिटेशन एक साइड पर आपको 12 से 15 करनी होगी। आप जैसे ही इसको परफॉर्म करेंगे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जो स्ट्रेस हो रहा था या एक अकड़ाव था इस एरिया में वो कम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा नेक जो होगी आप उसको हाफ सर्कल देंगे, यानी सर्कल हाफ यहाँ, और फिर इनहेल एंड एक्सहेल। एक चीज़ होगी, आपने पूरा अपना सांस भरा, हम अक्सर सांस सही नहीं ले रहे होते, हमारी डीप ब्रीदिंग सही नहीं होती, हमने क्या किया, इनहेल किया, हाथ को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, एक्सहेल, उसके बाद चिन डाउन और तमाम नर्व्स एंड टर्मिनल्स को मिला दिया एंड रिलैक्स। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, वो है पिजन पोज। लेकिन पिजन पोज में क्या करेंगे, हम झुक जाएंगे आगे को, उसमें हम ज़्यादा खुद को आर्च में नहीं लेकर आएंगे। उसको कैसे परफॉर्म करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे जिस तरह भी परफॉर्म हो रहा है आप उस तरह ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये पोस्चर ट्राई करना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप कोबरा पोज पर जा सकते हैं। अपनी लेग को आपने अपने सामने रखा और एक्सटेंड कर दिया अपनी बैक लेग को, स्ट्रेच करने के बाद यहाँ कुछ देर रहने के बाद अपनी जो पोजिशन आप सेट कर लें, उसके बाद आप आराम आराम से
अपने हाथों को आगे ले जाएंगे, यहाँ पर, और रिलैक्स करेंगे। इसी तरह आप दूसरी साइड पर भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने लेग को स्विच किया, स्विच करने के बाद अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए इस पोस्चर में रहे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इस पोस्चर में रह सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होता है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू आ रहा होता है। अब एक चीज़ होती है जो आपको वननेस देती है, आपकी फोकस में आपकी हेल्प करती है, वो होता है चाइल्ड पोज। नाम तो उसका चाइल्ड पोज है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीफ के मामले में। हो गई, आपने इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आप सामने गए, और इसमें बस चेंज क्या होगा, राइट साइड खुद को मूव किया एंड लेफ्ट, और साथ अपनी ब्रीदिंग पर गौर करते गए, साथ साथ अपनी ब्रीदिंग को बहुत नोटिस करेंगे। स्ट्रेस रिलीफ के लिए स्पेशली जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़, चाहे वो योगा है, अपना कोई भी फेवरेट वर्कआउट है, तो एक चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी, वो क्या होगा, आपने अपनी ब्रीदिंग पर गौर करना है। और एक चीज़ याद रहे, जब आप इनहेल करेंगे, सांस लिया, आपका पेट बाहर को आना चाहिए, और आपने जब एक्सहेल किया तो आप अपने एब्डोमेन का जो एरिया है उसको स्क्वीज़ कर लिया, ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा जब हम नेक की बात कर रहे थे, तो नेक में एक आप जो एक और एक चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, वो क्या होगा, एंड डाउन, बैकवर्ड्स, इनहेल करते हुए पीछे गए एंड एक्सहेल करते हुए नीचे आ गए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस पोस्चर को करने में, तो आप अपना एक हाथ यहाँ रख सकते हैं, और आपने अपनी नेक को थोड़ा सा सिर्फ टिल्ट किया, इनहेल करते हुए गए और एक्सहेल करते हुए इसको रिलीज कर दिया। दोबारा इनहेल किया, थोड़ा सा टिल्ट किया एंड एक्सहेल। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली कोई चीज़ आपको फील हो, कि आप रिलैक्स फील करने लग जाएं, तो एक चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको, वो होगा एंड एक्सहेल। आप खुद को ये भी सजेशन दे सकते हैं कि हील एंड रिलीज मेडिटेशन करते हुए। कोई भी अपना फेवरेट कलर, या ब्लू या ग्रीन कलर को आप ज़रूर याद रखिए, आपको रिलीफ देगा। सो ये एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और ये एफर्मेशन अगर आप याद रख लेते हैं, तो आपको जो हम स्ट्रेस की जो बात कर रहे हैं, उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जो हमारा आजकल का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। आई होप कि आपको स्ट्रेस रिलीफ के हवाले से ये योगा और ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। आप हमें अपने फीडबैक से आगाह भी कर सकते हैं, और आपकी जो स्ट्रेस रिलीफ योगा की जर्नी है, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक गाइस।